स्टफिंग पराठा हम सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन कभी कभी हमारा स्टफिंग पराठा परफेक्ट नहीं बन पाता। तो अगर आप स्टफिंग पराठा आपको बहुत पसंद हो और खाने का मन हो, तो आप इस तरीके से एक बार बना के देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और नेक्स्ट टाइम से आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे, फटेगा भी नहीं और बहुत ही परफेक्ट बनता है, ट्राई जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एके किचन। तो आइए देखते कैसे बनाएंगे ये स्टफिंग आलू का पराठा। तो आलू पराठा हम सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन बनाते वक्त कभी कभी हम स्टफिंग नहीं कर पाते ठीक से। तो अगर आप स्टफिंग नहीं आप कर पा रहे हैं, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। इसके लिए मैंने दो मीडियम साइज का बॉइल्ड आलू ले लिया, इसको अच्छे से मैश कर लिया है। और आलू पराठा बनाने के लिए हम आलू थोड़ा ठंडा यूज़ करेंगे, बॉयल पहले से करने के बाद यूज़ करेंगे। इसमें डाला 2 से 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक। तो अदरक को मैंने ग्रेट करके यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो अगर आप मिर्च नहीं पसंद करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 4 ही मसाला यूज़ किया है। इसकी रेसिपी मैं वीडियो में बीच में शेयर करूँगी, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये मसाला बहुत ही टेस्टी होता है और बिल्कुल हलवाई जैसे आलू पराठा की टेस्ट आती है। ये 4 ही मसाला है, बहुत ही यमी टेस्ट देगा। इसमें मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो ये 4 ही मसाला आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच यूज़ किया है। और ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस 4 ही मसाला को आप कोई भी स्टफिंग पराठा में डाल के बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए हम इस मसाले का रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच धनिया, साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच भर के काला राई और 1 चम्मच जीरा। ये सारी चीज़ों को 2 मिनट तक लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे और उसको ठंडा करके हम पीस लेंगे। तो यही मसाला हमने इस पराठे में यूज़ किया है। तो चलते हैं पराठा बनाने के लिए। तो यह मैंने लिया है थोड़ा मोटा लोई लेंगे, ताकि हम स्टफिंग अच्छे से कर सकें। तो ये मैं आपको बहुत डिफरेंट तरीके से स्टफिंग बता रही हूँ, बहुत इजी है, कोई भी बना सकता है इस तरह से। तो इसको हम पहले बेल लेंगे, मैंने सूखा आटा लगा के इसको बेल लिया है और इससे बीच से इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम एक साइड जो है अपना जितना स्टफिंग आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप स्टफिंग इसमें भर सकते हैं। थोड़ा सा साइड से हम जगह छोड़ेंगे ताकि हम इसे ईज़ली चिपका सकें। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये बहुत ही ईजी तरीका है। अगर आपसे आलू पराठा स्टफिंग गोल वाला नहीं हो पाता है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है और कोई भी इसे बना सकता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेंगे और इसको अच्छे से चिपका देंगे। तो ये बहुत ही ईजी चिपक जाता है और फटता भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आलू पराठा बनता है। इसमें मैंने लगाया थोड़ा सा सूखा आटा और इसको हम बेल लेंगे। इससे आलू जो है पूरे पराठे में इवेनली फैल जाता है, पूरे पराठे में आपको आलू का टेस्ट आएगा और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप 4 ही मसाला भी यूज़ ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही यमी बनेगा, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह से हम आपको दूसरा पराठा भी बना के दिखाएंगे। तो लोई थोड़ा सा बड़ा लेंगे ताकि हम स्टफिंग अच्छे से कर सकें। तो इसको बीच से मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है और स्टफिंग आप अपने अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा साइड से हम जगह छोड़ देंगे, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा दबा के आलू को इसको हम चिपका लेंगे। तो बिल्कुल समोसे जैसा ये बन जाता है शेप। और इसको हम सूखा आटा लगा के बेल लेंगे। तो देखिए हमारा आलू पराठा बहुत ही परफेक्ट बना है, बिल्कुल फटा भी नहीं है। इस तरह से आपका आलू पराठा फटेगा भी नहीं और बहुत ही इजी आप बना सकते हैं। आलू पराठा सबको बहुत पसंद होता है, तो आप कभी भी इस तरह से बना के खा सकते हैं। इसको सेकने के लिए मैंने तवे गरम करने के लिए रख दिया था और इसको दोनों साइड पहले अच्छे से पका लेंगे। और उसके बाद ऊपर से मैंने लगाया थोड़ा सा घी
और लो से मीडियम फ्लेम पे इस हम पराठे को सेक लेंगे ताकि आलू भी अंदर से अच्छे से सेक जाए। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है ना, बिल्कुल भी नहीं फटा है पराठा हमारा। तो इस तरह से आप आलू पराठा बना सकते हैं। और पूरे पराठे में आलू जो है वो अच्छे से फैल जाता है, इवेनली स्प्रेड हो जाता है। इस तरह से हम अपना दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। दोनों साइड से पहले अच्छे से पका लेंगे और हल्का हल्का घी या रिफाइंड ऑयल में हम पराठे को सेक लेंगे। तो पराठा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो आइए हम इसे कट करके दिखाते हैं कि आलू किस तरह से पूरे पराठे में अच्छे से फैल गया है। तो इस तरह से हम आपको कट करके दिखाते हैं। देखिए बहुत अच्छे से स्टफिंग हुई है, स्टफिंग पूरे पराठे में अच्छे से फैल गया है। मैंने इसे खीर के साथ सर्व किया है। ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही ईजी रेसिपी है। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।